Hi, what's up and welcome back to my channel. यार तुम्हारे साथ तो पता नहीं, मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग पे कुछ जो लेने जाती हूँ ना चीजें, उसके अलावा मैं 10 चीजों के पीछे भाग रही होती हूँ जो चीजें मुझे चाहिए भी नहीं होती। इतनी क्लिक बेटी चीजें दिखा रहा होता है ना वो रैंडमली स्क्रीन पे ऑल ओवर कि मतलब मैं दिल सा बहल जाता है कि यार ये चीज कितनी क्यूट लग रही है, चाहे चाहिए ना हो मुझे। तो इस बार ना मैंने बहुत सारी क्लिक बेटी चीजें मीशो से लेके देख ही ली है कि यार ये एक्चुअल में क्या ही चीजें, क्यों मुझे इतनी रिकमेंड कर रही है, स्क्रीन पे वर्क करेंगी भी या नहीं, तो देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मंगवाया मैंने हेयर क्रिम्पर, लेकिन यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। ये मेरे को सिर्फ 196 रुपीस का पड़ा, मतलब पूरे 200 रुपए भी नहीं लिए इन्होंने मेरे से। मतलब इससे ज्यादा तो अगर मैं पार्लर में करवाने जाऊँ ना अपने बाल क्रिम, वो ले लेते हैं यार। तुम सोच रहे हो सोनिया हेयर स्ट्रेटनर सुना है हमने, हेयर कलर सुना है, हेयर क्रिम्पर क्या होता है? देखो एज अ 90s किड आई नो दिस, क्योंकि शादियों में ना हम यही वाला हेयर स्टाइल बना के जा रहे होते, तो वो हल्का हल्का सा ना ऐसे जले हुए नूडल वाले बाल, यस वो बनाता है ये, एंड यस स्टाइल में वापस आ चुका है वो। यार ये है तो 196 का, क्या ये ऑन होगा? लाइट जल गई ना, ओ हो गया ये ऑन। इसको थोड़ा सा टाइम देता है हीट होने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। छोटा सा लेंगे बाल, अगर इसने मेरे बाल ऐसे काट दिए आधे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कैन यू सी दिस इफेक्ट? ओ माई गॉड, ये वर्क तो कर रहा है। कैन यू सी दिस इफेक्ट? भाई साहब तुम सोच रहे हो कि ये स्टाइल में, हाँ बिल्कुल ऐसे जले रूखे रूखे बाल, इट्स इन ट्रेंड। मेरे को लग रहा है कि जब मैं बाल धोकर बाहर निकलती हूँ तब भी मेरे बाल ऐसे ही दिख रहे होते हैं, रूखे रूखे जले जले से। मैंने थोड़ा मेरे फेस से दूर, वाओ ओ माय गॉड इट्स प्रॉपर क्रिम्पिंग। भाई साहब ये कैमरे में शायद बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। मेरे को तो बस इस बात की खुशी है कि एक पार्लर की विजिट से भी कम पैसों में यू कैन क्रिएट सो मेनी हेयर स्टाइल्स विद जस्ट वन प्रोडक्ट, एंड इसको कितनी बार भी तुम यूज कर सकते हो भाई साहब। एंड ट्रैवल फ्रेंडली भी है, बहुत हल्का और छोटू सा है, गुड जॉब। मेरे को इतनी मस्त रैंडम सी चीज मिली है, एक रिंग, यस अंगूठी, बट ऐसी क्या ही वो डिफरेंट सी चीज हो। अरे ये निकली गई, ये पैकेट ही फटा हुआ वो बॉक्स में रह गया। हमारे पास है एक घड़ी वाली रिंग, लिटरली इसके बीच में एक वॉच और फ्लावर बना हुआ, उसमें राइनस्टोन भी, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन एक अंगूठी में, और ये 200 रुपए की है। मेरे को फिट आ गई यार, ये कितनी ज्यादा ऑसम लग रही है भाई साहब। मैं बनने वाली हूँ, क्या टाइम हुआ मुझसे पूछ? क्या टाइम हुआ? मैं नहीं बता रही, इस पे भी एडजस्टेड नहीं है। क्या हम इसमें 150 कर पाएंगे? हो गया हमारा 150 भाई साहब। इसका डिजाइन, इसका शेप कितना ज्यादा एप्रोप्रिएट है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ऑल्सो जो ये रिंग है ना, ये एडजस्टेबल है, ऐसा लग रहा है कि कोई डिजाइनर महंगा ऐसे कार्टियर या फिर मेरे को तो देखो नाम भी नहीं पता, बड़े कितनी ज्यादा सही लग रही है। बाल मैंने खोल लिया क्योंकि मैंने मंगवाए हैं बैंग्स, ये फेक हेयर, लेकिन ऐसे वैसे बैंग्स नहीं है, क्लिप ऑन नहीं है ये, इसके साथ पूरा ऐसे हेयर बैंड दे रखा है, एंड उस हेयर बैंड पे भी बाल बना रखे, ऐसे ब्रेडिंग दे रखे, इट्स लाइक प्रॉपर खुफिया हेयर, लाइक किसी को पता नहीं चलेगा, पहन के देखते। ये मेरे को 207 रुपए का पड़ा है यार, मेरे को लग रहा है कुछ ज्यादा ही ब्लैक है। मेरे बालों के कलर्स के साथ नहीं जा रहा, बट स्टाइल देखते हैं कि वैसे कैसा लग रहा है ये। लेट मी कॉम्ब इट, इसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, लाइक बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। यार ये वैसे बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे, इट्स जस्ट कि अगर मेरे बाल कलर नहीं होते तो ये प्रॉपर मैच करते, बिकॉज आई हैड लाइक ब्लैक हेयर, लेकिन ये कितने ज्यादा रियल लग रहे, ऐसा लग रहा है ये मेरे बाल ही हैं, कलर हटा दो तो, लाइक ये प्रॉपर शेप दे रहा है मेरे फेस को। मैंने एक बार शायद अगर वॉश कर लूँ तो स्मेल चली जाए, बट 207 रुपए में बुरे नहीं है ये, कितना ज़्यादा सही लग रहे हैं। इनफैक्ट ये मेरे रियल बालों से ज़्यादा शाइनी है, दैट्स मोर बिलीवेबल आई गेस। ऑल्सो ये ढीला भी नहीं है हेयर बैंड में, आराम से पागल भी हो सकते हो, क्रेजी भी हो सकते हो, एंड इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, इट्स स्टिल देयर। मैंने पूरा ही ज्वेलरी बॉक्स मंगवा लिया, ये बीच पर इतने ज्यादा प्यारे लगते हैं, लिटरली अगर मैं मंगवाती हूँ ना बीच के लिए, ऐसे बीच वाली कोई भी ज्वेलरी इतनी महंगी पड़ती है, ये मेरे को 334 का पूरा बॉक्स मिला, एंड सिर्फ बॉक्स और बीट्स नहीं मिले, मेरे को उसके साथ उसकी एक्सेसरीज भी मिली, लाइक पूरा एक ऐसा हेयर बैंड दे रखा है, तुम इसके ऊपर भी बीट्स लगा सकते हो, वायर मिली है ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक वाली, एंड पूरा ब्रोशर मिला कि तुम क्या क्या यू नो आइडियाज बना सकते हो। क्या बनाए हम, इतनी सारी चीजें, ओ माय गॉड वी हैव स्टार फ्लावर बीड्स एवरीथिंग, क्या चाहिए। तुम्हें लग रहा हो कि सोनिया बच्चों वाली चीज पे इतनी खुश हो रही है, भाई साहब ये बच्चों वाली चीज नहीं है, सेम चीजें बीच पे जाओ इतनी ज्यादा महंगी मिल रही होती है, या फिर अगर ऑनलाइन भी शॉपिंग करो इन बीड्स वाली यू नो ज्वेलरी एक्सेसरीज के लिए, आराम से मेरे को 300-500 की एक चीज पड़ती है, वो छोटी सी, चाहे वो रिंग ले लो, नेकलेस ले लो, इयररिंग ले लो, एंड यहाँ पे मैं कितनी
सारी चीजें बना सकती हूँ अलग अलग वेकेशन के लिए, अलग अलग ट्रिप के लिए होने ही वाला है मेरा हेयर बैंड कम्प्लीट। वी हैव मिक्की माउस, छोटू सा मिक्की मिक्की सही है तू। मेरा हेयर बैंड है तैयार, मैंने अपनी सारी ही क्रिएटिविटी झोंक दी है, क्रिएटिविटी कुछ नहीं बेसिकली, मैंने सारे बीट्स डाल दिए इसके अंदर क्योंकि मुझे सब ट्राई करना था। मैंने स्टार्ट और एंड फ्लावर से ही किया क्योंकि ये इनको बहुत अच्छे से रोक पा रहे थे क्योंकि छोटे छोटे थे, फ्लावर बहुत बड़ा था, पहनते हैं। Oh my God, princess is here. I am so happy with this भाई साहब, ये मेरे दिल के पास रहने वाला है ये पूरा बॉक्स। एंड मैंने बाद में देखा जो इयररिंग्स के स्टॉपर नहीं होते ये ट्रांसपेरेंट वाले, मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ, जैसे पीछे नहीं लगाते वो भी दे रखे, बेसिकली तुम इससे इयररिंग्स भी बना सकते हो। मेरे तो ऑलरेडी ही पैसे वसूल हो गए, अगर मैं ऐसा हेयर बैंड भी कहीं लेने जाऊँ ना ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। और अब मैं कितने भी बना सकती हूँ अपने मैचिंग आउटफिट से, अपने मैचिंग शूज से, अपने मैचिंग वाइब से, जस्ट सेइंग। बड़े कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है, ओह माय गॉड आई लव इट। नेक्स्ट मेरे को रेकमेंड हुआ है एक टॉप, एंड ये ऐसा वैसा टॉप नहीं है, मतलब मैं जब भी मीशो खोल रही हूँ मुझे ये टॉप रेकमेंड हो रहा है, मतलब अगर मैं अपनी पर्सनल चीज के लिए भी मीशो खोल रही हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरे को लग रहा है कि उनका लाइक मीशो पे बेस्ट सेलिंग टॉप है या फिर बहुत लोग खरीद रहे हैं या फिर इट्स जस्ट एड। मुझे लग रहा है कि तुमने भी मीशो पे ये वाला टॉप कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा यार, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज्यादा दिख रहा था। आई वॉज गोइंग क्रेजी, लाइक इतनी क्या हाइप है इस टॉप की, क्योंकि इसमें इतना भी मतलब कुछ लग नहीं रहा है, मतलब नॉर्मली लग रहा है मेरे को तो। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड इस पे हार्ट्स भी बने हुए हैं, प्यार फैला रहा है ये पूरे मीशो पे। बट हाँ टॉप अच्छा है, बट Why was it recommending me so much? कुछ तो घपला है दया, क्या घपला है वो मुझे भी नहीं मालूम। Can you believe it कि एक साबुन है? आओ पहले से टेस्ट करते हैं। इसकी एंट्री हो गई, ये 50 रुपए का है सबसे पहली बात। इसमें बहुत सारे पेपर सोप है, ये इसके पेपर है। इतने सारे निकल गए, इसमें अलग अलग शेप्स है, ये देख सर्कल है, हार्ट है, फ्लावर है। ओ बेटा गिर गया, पहले एक ट्राई करे कितना सोप निकल रहा है इसमें। कैसा पानी लिया, ये एब्जॉर्ब हो गया। डिड यू सी? ओके वेट, एक सोप लिया मैंने और वो साबुन बन गया है। ये देख माय गॉड कितना मस्त साबुन निकला, ये ट्रैवल के लिए कितना अच्छा। 50 रुपए में इतनी सारी सोप। और तुम्हें ये वाला याद है फ्लावर डिस्पेंसर हमारा, ये अभी भी है ये। मुझे बहुत मजा आता है, दिस इज सो प्रिटी। बेस्ट पार्ट मेरे को लगा कि हाथ धोने के बाद जो पेपर होता है ना वो डिजोल्व हो रहा है, पेपर छूट नहीं रहा है पीछे, तो इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी मेस, ज्यादा कूड़ा भी नहीं फैल रहा है, तो इट्स लाइक पूरा यूज हो रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट मेरे को मिला है एक स्टिक मास्क। भाई साहब ये मेरे को लग रहा है कि हर किसी ने मीशो पे देखा ही होगा, हर दूसरी चीज में ये प्रोडक्ट रेकमेंड हो रहा होता है, हमेशा मुझे डाउट रहा है इसको लेके, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल नाउ यूजिंग इट ऑन द इंटरनेट, तो मुझे लगा कि एक बार तो हाथ मार ही लेते हैं। वैसे नाक मार लेते हैं ये नोज के लिए, वैसे थोड़ा फेस पे भी लगा सकते हैं आई गेस। तना इसकी पैकेजिंग क्या सही दे रखी है, क्या मस्त दे रखा है, बट ये है क्या, इसे खोलना पड़ेगा क्या? इस प्रोडक्ट पैकेजिंग देखो, इसके ऊपर एक सा हल्का सा ढक्कन दे रखा है जो कि थोड़ा सा खराब हो गया प्रोडक्ट मेरे से, अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्या ये रोल ऑन होता है? See, it's coming out. क्या ये वापस जाएगा? Thank God, ये वापस जा रहा है, काफी प्रोडक्ट्स वापस नहीं जाते एक बार निकलने के बाद। आओ इसे ट्राई करते हैं, मैं तो नोज पे ही लगाने वाली हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सरोजनी वाला जो मास्क, पील ऑफ मास्क लगाया था, वो सब मुझे बोल रहे थे कि सोनिया उसे वाइप नहीं करना था, उसे पील ऑफ करना था, मुझे पता है, बट वो मेरा वाला नहीं हुआ। इतने ज़्यादा देर मैंने उसको टाइम दिया, वो सूखा ही नहीं, पता नहीं, इट वॉज स्टिल गूई गूई, तो मुझे वाइप ही करना पड़ा एंड उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ये तो बहुत ही आसानी से लग रहा है, बट ये रियलिटी में कुछ इस तरीके से लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही मोटा है, तो लाइक ये मेरे कॉर्नर्स पे नहीं जा पा रहा है नोज के। बट या भाई साहब कितनी अच्छी खुशबू है इसकी, लिया कि बिल्कुल भी लोकल प्रोडक्ट नहीं लग रहा है मेरे को, है ये 117 रुपए का, बट आई डोंट नो बहुत ही अच्छी फीलिंग दे रहा है मेरे को ये। ओके तो इसको पूरा सुखाएंगे हम, थोड़ा सा फैला लेते थोड़ा यहाँ पे भी। मेरे बिंदी क्यों लग गई है? कोई टिंगलिंग इफेक्ट तो मुझे नहीं हो रही है, बल्कि बहुत ही अच्छा प्यारा ठंडा ठंडा सा इफेक्ट दे रहा है मेरे को अभी तक। सो फार सो गुड, ये पूरा सूख चुका है मस्त आराम से, 15 मिनट में ये सूख गया। ऑल्सो मैंने पीछे पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि ये पील ऑफ नहीं होगा। यस, इसको नॉर्मली हमें या तो रिंस करना होगा या फिर हम एक वेट क्लॉथ से भी साफ कर सकते हैं, तो आओ देखते हैं। इतना आराम से हट गया यार ये सूखने के बाद भी, एक ही वाइप में, कोई मेहनत नहीं लगी, गुड जॉब। कैसा लग रहा? ओ वाओ,
यार ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट लग रहा है, जो भी ऐसे खुरदुरा खुरदुरा था ना लास्ट टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वाओ, मेरे को बहुत ज्यादा डाउट था स्पेशली इस प्रोडक्ट में, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा रेकमेंड हो रहा है, हर कोई यूज कर रहा है इसको। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेंडी प्रोडक्ट अभी स्किन केयर में, लाइक अ लोकल ट्रेंडी स्किन केयर प्रोडक्ट। लेकिन क्या मस्त काम किया इसने, मेरे सारे ऐसा लग रहा है ब्लैक हेड्स वगैरह छोड़ो, स्मूथ स्किन कर दिया यार इसने। ऐसे बम्पी होती है मेरी नाक, गुड जॉब, इट वर्क। मैं ऐसी पर्सन हूँ जो नोटबुक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करती, मतलब मेरे को डायरी लिखने का पहले शौक था, बट मैंने बहुत लंबे, मतलब स्कूल छोड़ के कॉलेज छोड़ के मैंने नोटबुक नहीं खरीदी। लेकिन ये देख रहे हो तुम, मुझे चॉकलेट शेप की एक डायरी नोटबुक मिली है। इनफैक्ट इसकी पैकेजिंग भी ऐसी आई थी कि इसके अंदर चॉकलेट है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कुछ इस तरीके से दिख रही है एंड इसमें से चॉकलेट की खुशबू आ रही है। हाउ क्रेजी इज दिस, ये मेरे को 160 रुपए की चॉकलेट, मतलब चॉकलेट नोटबुक पड़ी है एंड ये किसी ने खा भी रखी है इसका डिजाइन ही इस तरीके से है, कितना रियलिस्टिक बना रखा है भाई साहब, मैं इसको पूरे दिन देख सकती हूँ। ये ऐसे रबर है, इट्स नॉट चॉकलेट ऑफ कोर्स, बट इसमें से खुशबू आ रही है चॉकलेट की। आ रही है ना चॉकलेट की खुशबू आ रही है भाई साहब, मैंने इन्हें खोल लिया है। He can't control himself. It's a cool thing, like a gift, किसी को देने के लिए जैसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, या फिर जैसे चॉकलेट और डायरी लिखने का बहुत ही शौक है, कितना परफेक्ट अमेजिंग गिफ्ट है। ऐसे रैंडम चीजें दिखती है ना, मन नहीं करता लेने का। देखना कितनी अतरंगी, कितनी क्यूट सी है, कैसे कोई रोक सकता है। 160 रुपए आज की परचेजेस में मैं इतना ज्यादा खुश हुई, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जिसका दिमाग ना ऐसे शक ही चलता है पूरा, किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं होता, स्पेशली ऑनलाइन, ऑनलाइन चीजों पर कौन ट्रस्ट करता है। बट भाई साहब क्या ही मस्त हमें क्लिक बेटी चीजें दिखा के पागल तो नहीं बनाया, क्योंकि एक्चुअली में सारी चीजें काम तो आई है एंड वो वर्क भी करी है। कितनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज, मैं तो पहन के पूरी रेडी हो गई हूँ। मेरे को सब चीजें बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड यूजफुल लगी है यार आज, सरप्राइजिंगली। ओके, तुम मुझे बता दो तुम्हारा फेवरेट रैंडम प्रोडक्ट कौन सा था आज की वीडियो में से, एंड अगर और भी यू नो रैंडम चीजें जो तुम चाहते हो मैं ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मजा आता है, मुझे बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं, समय मैं नीचे बता दूंगी। ओके बाय।